नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज़। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े दिलचस्प किस्से, अनोखे किस्से। आखिर आज के दिन क्या हुआ था, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है। सामान्य ज्ञान, जैसे कि आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें कि आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को, जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। आपको बताते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 17 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जो कि हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार साल 1987 में फ्रांस में मनाया गया था। इस दिवस में लगभग 1,00,000 लोगों ने मानव अधिकारों हेतु प्रदर्शन भी किया था। यह आंदोलन ATD फोर्थ वर्ल्ड के संस्थापक जोसेफ विंसकी ने शुरू किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 1992 को हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की थी, और इसे मनाए जाने के मकसद विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता को बढ़ाना था, और विकासशील देशों में गरीबी को समाप्त करना है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी सोच, जातिवाद, अमीर गरीब में ऊंच नीच, नौकरी की कमी, अशिक्षा, बीमारी इत्यादि है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। खराब कृषि और बेरोजगारी के कारण ही लोगों को भोजन की कमी से जूझना पड़ता है। यही वजह है कि महंगाई ने भी अपने पंख फैला रखे हैं। वहीं भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या को भी बताया जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगले किस्से की ओर। आपको बता दें कि आज ही के दिन सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने कई आंदोलन में हिस्सा लिया, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। तो ये कौन थे, आखिर सैयद अहमद खान कौन थे, उनके जीवन का इतिहास क्या है, आइए नजर डालते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। सैयद अहमद खान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में काफी काम किया और बहुत से आंदोलन का अभिन्न अंग भी रहे। आज ही के दिन साल 1817 में दिल्ली में सैयद घराने में इनका जन्म हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद खान ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में शामिल हुए और धीरे धीरे उनकी पदोन्नति करके निचली अदालत का न्यायाधीश बना दिया गया। खान ने अलीगढ़ आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जो मूल रूप से एक शैक्षिक उपक्रम था। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना भी की और उनमें से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। सैयद अहमद खान का सबसे बड़ा योगदान अलीगढ़ आंदोलन में रहा। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल खोला था। 1863 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल खोला। 1867 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला, और उसी दौरान वो इंग्लैंड भी आए थे। वहाँ की एजुकेशन से वो बहुत प्रभावित हुए थे। लौटने के बाद अपने स्कूल को वैसा ही बनाने की कोशिश करने लगे और ये स्कूल 1875 में कॉलेज बन गया। वहीं सैयद की मौत के बाद 1920 में ये यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जिसे आज के समय में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी किस्से की ओर। आपको बता दें कि आज ही के दिन मिशनरीज ऑफ चैरिटी मिशन के स्थापक मदर टेरेसा से जुड़ा हुआ हमारा ये आखिरी किस्सा है आज का। आज ही के दिन उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आखिर मदर टेरेसा कौन है, आखिर उन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, आइए जानते हैं अपने इस खास पेशकश में। आज ही के दिन साल 1989 में मदर टेरेसा को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साल 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था।
मदर टेरेसा गरीबों की मदद करने के लिए समर्पित महिलाओं की एक रोमन कैथोलिक मंडली ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भी की थी। उनका असली नाम एग्नेस गोंझा बोयजीजू था। उन्होंने साल 1950 में कोलकाता का रुख किया, जहां से उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी मिशन की स्थापना की। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उनकी मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें HIV, एड्स, कुछ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं घर शामिल थे। आपको बता दें कि ऐसे के साथ ही सूप, रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय भी थे। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम एक किस्सा दिन का हिस्सा में हमारे आज के लिए किस्से के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी तरह हम डेली आपके लिए लेते आएंगे नया किस्सा, डेली का इतिहास, आखिर उस दिन क्या हुआ था। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।